भारत में आज आधार कार्ड को हर सरकारी कामों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना आप अपना बैंक खाता भी नहीं खुलवा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है, जिस आधार कार्ड को सिर्फ हम एक सरकारी डॉक्यूमेंट समझते थे, उससे हम लखपति भी बन सकते हैं। आज की तारीख में देश में 1 अरब से ज्यादा आधार कार्ड धारक लोग हैं। जब पहला आधार कार्ड जारी हुआ था, तब से आज तक लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं। UIDAI अथॉरिटी को अदालत द्वारा भी मान्यता मिल गई है और अब देश में करीब 85% के साथ आधार कार्ड देश में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कार्ड बन गया है। अब आधार कार्ड के जरिए आपको कई सरकारी और सामाजिक संस्थाओं का लाभ भी मिल सकता है। तो यहाँ आप जानिए कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप किन किन योजनाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। हाल ही में देश के महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के लिए agrmaharashtra.in पर जाएं, जिसके बाद आपका बैंक खाता आधार बायोमेट्रिक डिटेल और फिंगरप्रिंट के साथ उसकी सारी डिटेल भरने के साथ साथ घर के दस्तावेज भी जमा करें। अगर आपको किसी किराएदार को प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन करना है तो दोनों का एक समय पर होना जरूरी नहीं है। इसके जरिए आपकी फीस का भुगतान अपने आप हो जाएगा। इसके बाद आपने जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो अपने आप डिजिटल लॉकर में सेव हो जाएंगे। इस आधार कार्ड के जरिए न सिर्फ अस्पतालों में बल्कि कई फार्मा लैब्स और पैथोलॉजी में आप मरीज की जानकारी और साझा कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। आजकल कई हॉस्पिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनके जरिए न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पेंशन स्कीम ENPS निवेशकों को घर बैठे बैठे पेंशन स्कीम में खाता खोलने की सुविधा देता है, जिसके लिए आपको चाहिए आधार, पैन कार्ड और इंटरनेट। केंद्र सरकार ने पहले ही सभी पेंशन धारकों के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है और उनके खातों को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए बढ़ावा दे रही है। अब ये सेवा NRI के लिए भी अनिवार्य कर दी गई है। इस तरह आप सरकार की योजनाओं से लाखों रुपए बचा सकते हैं।